हेलो नमस्कार आदा सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासी प्राची। आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आज मैं करने जा रही हूँ एक छोटू मोटू सा रिव्यू, जो कि है लिपस्टिक का रिव्यू। एज यू ऑल नो दैट मुझे लिपस्टिक काफ़ी पसंद है, लाइक बहुत पसंद है। और ये है वो लिपस्टिक जो है स्टे क्वर्की की मिनी लिपस्टिक, और इसको मैंने अपने जो लिपस्टिक कलेक्शन था उसमें नहीं दिखाया था। मैंने अपना फुल होल लिपस्टिक कलेक्शन दिखाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, आपने ज़रूर देख लीजिएगा। और ये एक ऐसा लिपस्टिक का कलेक्शन है जो सेपरेट है, मैंने इसके बारे में जिक्र किया था बट इसको दिखाया नहीं था, और ये मुझे काफ़ी पसंद है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसका मैं एक अलग से रिव्यू टाइप का भी कर देती हूँ एंड इसके स्वाचेस मैं अलग से दिखा देती हूँ। तो ये है स्टे क्वर्की की मिनी लिपस्टिक्स, और इसमें कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, मतलब इसके जो किट है उसमें आई थिंक 4 किट्स आते हैं 1 2 3 4 करके। मुझे जो मिनिएचर चीज़ होती है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ही क्यूट सी लगती हैं, इस वजह से उनको मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ ख़रीदना। तो इसी वजह से मैंने इसको भी बाय किया था। इसका जो MRP है वो 399 है, बट ये आपको 250 या मतलब 300 से कम के प्राइस में आराम से मिल जाती है purple.com पे, और मैंने वहीं से इसको बाय किया था। ये 12 लिपस्टिक का सेट्स होता है, और अगर हम इसकी आउटर पैकेजिंग की बात करें तो इसका ये फुल पैकेट आराम से आप कहीं भी अगर आप ट्रैवलिंग में जाते हो तो लेके जा सकते हो, क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में सारी आ जाती है और एक बंडल के साथ में, इस वजह से इसको ले जाना भी काफ़ी ज़्यादा हैंडी होता है। और ये एक ब्लैक कलर के कार्डबोर्ड के बॉक्स में आती है, जो काफ़ी ग्लॉसी फिनिश का होता है। एक लिपस्टिक की जो मात्रा होती है वो 1.2 ग्राम की होती है, एंड जो टोटल लिपस्टिक की क्वांटिटी है वो 12 है। और अब बात करते हैं इसके इनर पैकेजिंग की, तो ये कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है एंड जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा लगता है। एंड बॉक्स पे आपको हर डिटेल दी गई है कि इसमें क्या इन्ग्रीडियंट है, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है, कब तक चलेगा, एंड प्राइस वेट, हर एक चीज़ प्रॉपरली। एंड दिस इज स्टे क्वर्की मिनीज, और ये एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसमें जो बेस है वो ब्लैक कलर से है एंड जो बॉक्स का ढक्कन है वो ट्रांसपेरेंट कलर के, एंड इसमें भी जो डिटेल्स है वो सारी दी गई हैं, कहाँ पर बना है, इसका नेट वेट क्या है, क्वांटिटी वगैरह के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी जो लाइफ है वो 3 साल की है, मतलब अगर आपने 2019 में लिया है तो ये 22 तक चलेगी। और ये जो लिपस्टिक है वो काफ़ी ज़्यादा मैट फिनिश के साथ हैं, मतलब लगाते हुए जो उसका फॉर्मूला है वो क्रीमी में, ऐसा नहीं लगेगा कि आपके होंठ बहुत ही ज़्यादा ड्राई से हो गए हैं या रफ से हो गए हैं। लगाते समय इसका फॉर्मूलेशन जो है वो क्रीमी में, बट जब इसकी फिनिश जो आती है वो मैट फिनिश में आती है। एंड दिस इज़ अ किट वन, इसी तरह इसमें 4 किट्स होती हैं, किट 1, किट 2, किट 3 एंड किट 4। और इसमें ये लिपस्टिक का साइज़ है बिल्कुल टिनी मिनी छोटी सी, और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लिपस्टिक का शेड और उसका नंबर, जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एंड अगर आपने मेरे रहने वाले लिपस्टिक के बारे में देखा उसका रिव्यू, तो मैंने उसमें बोला था कि अच्छा होता अगर वो एक शेड नेम भी दे देते तो। और यही चीज़, मतलब इतनी छोटी सी लिपस्टिक भी है बट स्टिल उसमें उन्होंने हर एक लिपस्टिक का प्रॉपर नेम दिया हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत छोटी सी तो सिर्फ नंबर से काम चला लेते, प्रॉपर नेम हर एक लिपस्टिक के ऊपर मेंशन्ड है। इसमें आपको ये पिंक, ब्राउन, न्यूड, मरून, पर्पल, हर तरह के शेड अवेलेबल है, जो थोड़े से डार्क एंड वाइब्रेंट शेड में होते हैं ना, वो सारे शेड्स हैं इसमें। अब बढ़ते हैं लिपस्टिक के स्वाचेस की तरफ, तो हेयर आई एम गोइंग टू डू फर्स्ट स्वाच, और इसका शेड नंबर है 10 और इसका नेम है विल मीट यू फॉर वन नाइट। सो ये है शेड एंड ये बुलेट लिपस्टिक है जो आप सभी लोग देख ही सकते हैं, और दिस इज अ शेड। सो ये हाउ ब्यूटिफुल द शेड इज, हल्का सा पिंकिश रेडिश टोन में है एंड बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन भी है इनका, मतलब एक स्ट्रोक में आपको अपना डिजायर अमाउंट का शेड मिल जाएगा। अब मैं करती हूँ इसका लिप स्वाचेस, तो ये है इसका शेड जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड शेड है। नेक्स्ट शेड है शेड नंबर 20 एंड इसका नाम है रॉक माय वर्ल्ड, ये न्यूट कलर का पिंक शेड है। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लिपस्टिक ना, कि ये बहुत ही अच्छी तरह से आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, मतलब अगर किसी लड़की को लिपस्टिक का शौक है
और आप उसको एक अफोर्डेबल रेंज में अच्छा ब्रांड देना चाहते हो ना, तो जस्ट गो फॉर इट. और बहुत ही हैंडी एंड बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में है, तो आई थिंक ना ये हर लड़की को बहुत अच्छे से जाएगा और पसंद भी बहुत अच्छे से आएगा. और इतनी छोटी छोटी सी है ना कि अगर आपको मान लो एक दो लेके जानी है तो आप आराम से अपने बैग में डालिए और लेके जाइए. नेक्स्ट शेड है शेड नंबर 17 और इसका नाम है ड्राइव मी क्रेजी टुनाइट और ये हल्का सा पर्पल शेड में है. नेक्स्ट शेड है शेड नंबर 16 और इसका नाम है फॉर व्हेन द लाइट्स गो ऑफ. मतलब शेड्स के नाम तो न जाने कहाँ कहाँ से सोचे गए हैं. ये हल्का सा न्यूडी ब्राउन में आएगा और ये बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्ट भी करती हैं. ऐसा नहीं कि आपने अभी लगाया और बहुत जल्दी से छूट जाएंगी, ऐसा मुझे नहीं लगा. आप अच्छे से लगाते हो एंड अगर इसके ऊपर आप थोड़ा सा पाउडर का एप्लीकेशन करके इसको सेट कर देते हो, इसको लॉक कर देते हो ना, तो ये बहुत अच्छे से चलती हैं. नेक्स्ट शेड है शेड नंबर 13 और इसका नाम है, इसका शेड है सबसे पहली बात तो हल्का सा पिंकिश में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक है. और इसका शेड का नाम है प्राइवेट कन्फेशन मेड पब्लिक. नेक्स्ट शेड है शेड नंबर 8 और इसका नाम है टंग ट्विस्टिंग बूटी कॉल और ये हल्का सा वो डीप चॉकलेटी ब्राउन होता है ना, वैसा शेड है. और आपको हर कलर में वेरिएशन दिखेगा, ऐसा नहीं कि कलर एक जैसे लग रहे हों. नेक्स्ट शेड है शेड नंबर 11 और इसका शेड नंबर है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ लस्टी अफेयर. लिपस्टिक का शेड है 15 और इसका जो नाम है राइट हेयर राइट नाउ और ये डीप पर्पल शेड में है. नेक्स्ट शेड है शेड नंबर 3 एंड इसका नाम है आई नीड सम लविंग. यस आई नीड सम लविंग. नेक्स्ट जो कलर है वो एक ब्यूटीफुल सा पिंकिश रेड कलर है और इसका शेड नंबर है 24 और इसका नाम है आवर्स ऑफ क्रिएटिव लव मेकिंग. और ये एक तरह का ब्लडी रेड कलर है, इसका शेड नंबर है 25 और इसका नाम है इट्स माय फर्स्ट टाइम. ये लास्ट शेड है शेड नंबर 12, मतलब 12th वाला है. इसका जो शेड नंबर है वो है 27 और इसका जो शेड नाम है वो है प्रिंसेस विद हॉटनेस इशू. हाय हाय, तो अब हम अपने लिपस्टिक के स्वाचेस को एंड करते हैं विद प्रिंसेस विद हॉटनेस इशू. और ये एक डीप रेड कलर है जो कि सचमुच में बहुत हॉट लग रहा है. मतलब मुझे लिपस्टिक के कलर से तो प्यार है ही है, लिपस्टिक की जो पैकेजिंग है उनसे भी प्यार है, बट द नेम ऑफ द कलर्स, जो नेम ऑफ द शेड्स, मतलब माइंड ब्लोइंग क्या चूज किए गए, इतने डैम सेक्सी नेम है ना कि मैं क्या बताऊँ, मज़ा आ गया. तो अगर आपको भी किसी को गिफ्ट करना हो ऐसे लिपस्टिक का एक कॉम्बो जो कि अफोर्डेबल भी हो, साथ ही साथ एक अच्छे ब्रांड की हो एंड एक अच्छी क्वालिटी के साथ हो, या फिर आपको अपने खुद के लिए परचेज करना है कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है और आप एक कॉम्पैक्ट साइज में लिपस्टिक लेके जाना चाहते हो, तो जस्ट गो फॉर इट, आपको मज़ा आएगा. इसके नाम पढ़कर भी, इसके एप्लीकेशन से भी, व्हाट आई गेस, मतलब मेरे को जो सेटिस्फैक्शन हुआ है,
सो होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, और अगर पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस पर कमेंट करिएगा, इसको और लोगों को शेयर भी करिएगा एंड इस पर लाइक भी करिएगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, उसके बगल में एक बेल आइकन आ रहा होगा टिंग टिंग, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग ऑलवेज़।